ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों मित्रों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताज़ा वीडियो में। यह वीडियो आप सभी कर्ण राशि वाले जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में दो बड़ी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़्यादा आवश्यक होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, परंतु आपको समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ सकता है। समय के साथ आपको दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति हो सकती है, जमीन जायदाद लेने का मौका मिल सकता है, घर बनाने का मौका मिल सकता है, वाहन कार्य इत्यादि अपने शान शौकत में बढ़ोतरी करने के मौके प्राप्त होने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आपका लकी नंबर, लकी कलर कौन सा रहेगा, कौन सा व्यापारिक क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता रह सकती है, जो कि आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से तो वीडियो के लगातार अंत तक देखिएगा। उससे पहले इस वीडियो को कोई सा भी पार्ट अगर आपको अच्छा लग जाए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा लगा दें। तो दोस्तों आज का दिन का समय बेहद खास होने की संभावनाएं होंगी। इस दौरान आपके चंद्र राशि से सप्तम भाव में अशुभ राहु की स्थित होने के कारण कार्यस्थल पर आपको अपनी भावनाओं पर, खास तौर पर अपने गुस्से पर काबू रखने की ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि संभव हो चुका है कि आपको किसी भी सहकर्मी के द्वारा धोखा मिले, जिससे आप उनके साथ झगड़ा भी कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा, साथ ही आप अपनी भावनाओं को काबू में ला करते हुए उनके साथ अभद्र भाषा तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के सातवें घर में स्थित होने के कारण इस दौरान आप लंबे समय के वक्त के लिए निवेश कर सकते हैं, तो अच्छा खासा फायदा आपको हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा लेने के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता रहेगी। और इस समय अपने पारिवारिक जीवन में चले आ रहा कलह दूर होकर खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सफल होंगे, जिससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होंगी। वह आपकी समझदारी को देखकर आप पर अपना प्रेम लुटाते हुए दिखाई देंगे। यह समय आपके आत्म आकलन और अपनी पिछली गलतियों और अनुभवों को समझने और उनसे सीख लेने की ओर इशारा कर रहा है। और आज परंतु केरल में आपको दूसरों के आगे निकलने की होड़ आपको आशा करने से रोकेंगी, जिसका नकारात्मक असर भी आपके चलते आप पुनः पिछली गलतियों को दोहराते दिखाई देंगे। और इस दौरान कई छात्रों को अपने कुछ विषयों को लेकर समझने में परेशानियां देखने को महसूस होंगे, परंतु बावजूद भी इसके ऊपर निजात को पाते हुए उसमें आप सफलता अर्जित करने में कामयाब होने वाले हैं। ऐसा में इस दौरान उन्हें नियंत्रण प्रयास करने और अपने लक्ष्य के प्रति सहज रहने की आवश्यकता रहेगी। प्रतिदिन 22 बार ओम राहुवे नमः का जाप करना बहुत बढ़िया होगा। चंद्र राशि से दशम भाव में शुक्र के स्थित होने के कारण प्रेम में पड़े इस राशि के लोगों को इस दौरान अपने लवमेट के साथ रोमांटिक समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। अपने दिल की बातों को अपने संगी के साथ साझा करके अच्छा महसूस कर सकते हैं। प्रेम जीवन में अस्थिरता रह सकती है, जिसके कारण भी आप अपने क्षेत्रों में भी इस दौरान अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। शादीशुदा जातकों के लिए भी असमय अशुभ परिदायक रूप से रहेगा। इस दौरान आपके परिवार के लोगों के बीच अच्छा सामंजस्य बना रहेगा, जिसके कारण भी आपके वैवाहिक जीवन में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपका जीवन साथी ही आपके प्रति आकर्षण महसूस कर सकता है और जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव होने की स्थिति का निर्माण हो सकता है, और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन पर हो सकती है। और आप लोगों के लिए जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा होंगे, तमाम परेशानियों का निदान होगा। और भावनाओं को पहचाने जो कि आपको प्रेरित करती हैं, डर, संकार, लालच जैसे नकारात्मक गुणभावों को जीवन में छोड़ें, क्योंकि यह विचार उन लोगों को, उन चीज़ों को आकर्षित करते हैं जो आप नहीं चाहते। जरूरत से ज़्यादा खर्च और चालाकी भरी आर्थिक परियोजनाओं से बचना है। आपको रोजमर्रा से कामों से छुट्टी लेकर आज के दिन दोस्तों के साथ घूमने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। और आज का दिन आपका शुभ और बेहतर कार्य